पद्मश्री व पद्मभूषण डॉक्टर श्रीमती श्यामा चोना का जीवन चरित भाग दो, लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। यह है उनके जीवन का एक नया अध्याय। बात सन 1965 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे समय में देश को बहुत से स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं यानी कि वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी। उन दिनों श्यामा जी भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर घायल सैनिकों की सेवा करती और उन्हें खाना व रोज़मर्रा की वस्तुएं पहुंचाया करती। सैनिकों की देशभक्ति, उनकी दिलेरी और साहस को देखकर ये इतनी प्रभावित हुईं कि इन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो भी किसी सैनिक से ही विवाह करेंगी। कभी कभी कोई बात बहुत दिल से चाहो तो वो सच भी हो जाती है। संयोगवश श्यामा जी के भाई ने इनकी मुलाकात मेजर चोना से करवाई, जिनका पूरा नाम विनिंदर सिंह चोना है। सब प्यार से उन्हें विन्नी कहकर बुलाते। मेजर चोना एक संपन्न परिवार के सुशिक्षित 6 फुट कद वाले सुडौल काठी के सजीले नवयुवक दिखते थे। लुभावने व्यक्तित्व के साथ ही वे कुशाग्र बुद्धि भी थे। ऐसे सुयोग्य जन ही जीवन में अपने कौशल, विवेक और कर्मठता से कदम दर कदम बढ़ते चले जाते हैं, कामयाबी के नए इतिहास लिखते हैं। संभवतः यही कारण है कि मेजर विनिंदर चोना मेजर जनरल के पद पर सेवानिवृत्त हुए। आज देश सेवा में बिताए लंबे वर्षों की यादें इन्हें हर्ष और गर्व की अपरिमित अनुभूति देते हैं। मेजर चोना के पिता श्री आर.एन. चोना चीफ इंजीनियर थे और माता श्रीमती शीला चोना पढ़ी लिखी, बहुत सुलझी हुई तथा सकारात्मक विचारों वाली महिला थीं। उस समय परिवार चंडीगढ़ में रहा करता था, नामी गिरामी परिवार था। मात्र 2 मुलाकातों में ही श्यामा और मेजर चोना जी ने मानो जीवन भर साथ निभाने का मन बना लिया था। जो भी कोई दोनों को संग देखता वो ये कहे बिना नहीं रह पाता था कि वाह क्या जोड़ी लगेगी इन दोनों की, किसी की नजर ना लगे इन्हें। श्यामा जी भी तो गौरवर्ण, मुस्कुराहट बखेरती, कमनीय चंचल और सुशिक्षित थी। इत्तफाक से उसी समय श्यामा जी को ओहियो यूनिवर्सिटी अमेरिका में डॉक्टरेट करने जाना था, वो भी स्कॉलरशिप पर। किंतु इस नवीन लुभावने रिश्ते ने इनके कदम विवाह की ओर मोड़ दिए। वैसे भी तो वर और वधु दोनों पक्षों की इच्छा थी कि अब इन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया जाए। सबकी इच्छा देखकर श्यामा जी ने अमेरिका पढ़ने जाने के विचार को भूलना ही श्रेयस्कर समझा और वो डॉक्टरेट करने अमेरिका फिर नहीं गई। विवाह की घड़ियां धीरे धीरे निकट आने लगी। वैसे भी तो माता पिता के आंचल की छांव लड़कियों को जीवन पर्यंत कब मिली है,
समाज की परंपरा से जुड़े ये शब्द हर लड़की यदा कदा सुना करती है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें ससुराल जाना ही होता है। हमारी शादी के लोक गीतों में भी यही उल्लास, नोक झोंक और विदाई के भाव छुपे होते हैं। ढोलक की थाप पर बजते गीत, घुंघरुओं की छनछन के साथ मन में विभिन्न भावों को अनायास ही झंकृत कर देते हैं। फिर क्या था, विवाह के सुरम्य वातावरण से घर का आंगन महक उठा। ऐसा लगता था कि मानो सहसा वीणा झंकार उठी, अंबर अनंत झंकार उठा, द्वारों पर बंधन वार बंधी, हल्दी चंदन से चौक पूरे गूंजा आंगन मधु गीतों से, ढोलक की बजती थापों से, शादी के मंगल गीतों से, मनुहारों से, पकवानों से, घुंघरों की मीठी छनछन से। और फिर मेजर विनिंदर चोना से सात जन्मों के उस अटूट बंधन में बंधने की घड़ी आ पहुंची। विवाह की सभी रस्में विधिवत संपन्न हुई। उसी मुबारक क्षण से सुकुमारी श्यामा सौभाग्यवती श्यामा चोना बन गई। इस तरह आरंभ हुआ उनके जीवन का एक नया अध्याय। वो छोड़ आई थी अपने बचपन की नादानियों और अल्हड़पन को, सहेलियों के साथ बेवजह खिलखिलाकर हंसने को, भाइयों की चुलबुलाहट को, माँ के भीगे आंचल और पिता के दुलार को। रखा था कदम जीवन की एक नई भोर में, अनुराग और विराग में, रूप और श्रृंगार में, मान अभिमान के सत रंगों के संग। सभी कुछ नया ही तो था, जीवन का वो नव प्रसंग, संगीत नवल थी प्रीत नवल, नव उमंग नव राग लिए नव तरंग जगी। जीवन मानो झंकार उठा, हर दिन उनका मधुमास बना, हर दिन उनका मधुमास बना। ऐसा लगता था मानो सूरज की लाली उनके जीवन में उतर आई हो। नेह के रंग भी कितने अनोखे होते हैं। इस तरह ऊंची उड़ान पर मचल रहा था उनका अबोध मन। दिन मास वर्ष बीतते गए, सुख दुख और धूप छांव की आंख मिचौली खेलता इनका जीवन आगे बढ़ रहा था। किंतु हाँ, विवाह का यह सुरमई बंधन अपने साथ उत्तरदायित्वों और समझौतों की गठरियां लेकर आता है। उससे भला कौन नारी अनिभिज्ञ है कि अपने संस्कारों और लुभावने व्यक्तित्व से इन्होंने ससुराल और मित्रों का मन मोह लिया था। ये था इनके जीवन का एक नया अध्याय। तीसरे भाग में हम देखेंगे इनके पारिवारिक जीवन का अगला सफर। धन्यवाद।